हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है सुशांत मारक और मैं गारो हिल्स में रहने वाले हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जा रही है बांग्लादेश में, मेरे पिताजी को लेके जा रही है क्योंकि वहाँ पर क्रिसमस खाने वाले हैं मेरा पिताजी। तो दोस्तों, अभी क्रिसमस के समय है इसलिए पिताजी वहाँ पर क्रिसमस मनाने जा रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जाना जाएंगे कि बांग्लादेश का गांव कैसा है। 10 घंटा तो लगने वाले हैं हम लोग को वहाँ पर जाने के लिए। रास्ता में चलते वक्त मैं आप लोगों को दिखाना था, फिर भी दिखा नहीं पाऊँगा दोस्तों, क्योंकि मेरा हेलमेट का माउंट जो है ना दोस्तों, वो टूट गया है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं मिलने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जिन लोगों ने भी बांग्लादेश नहीं देखा है, अगर देखना चाहती है तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर बनी रहिए दोस्तों। और भी दोस्तों, आप लोगों को मेरा इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी कर लेना है दोस्तों, आप लोगों को यही मेरा विनती है दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। ये रहा, मैं अभी पहुंच गया है हमारा ब्रिज पे, और हम अभी 8 बजे से आया यहाँ तक पहुंचने के लिए 1 बजे लग गए हैं। तो मैं अभी दिखा रही है, यही है दोस्तों बॉर्डर, बांग्लादेश के बॉर्डर है। और इस तरफ में आप लोगों को मैं अभी थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि ये सिमसंग नदी है, ये सिमसंग नदी का ब्रिज सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। अभी ये रहा दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने, मेरे आगे में ये रहा नाव जा रही है, ये रहा इंडिया के नाव, ऊपर का हिस्सा है ये। और मैं आप लोगों को नीचे का हिस्सा भी मैं दिखाना चाहूँगा अभी। और यही है दोस्तों बाघमारा ब्रिज, जो बांग्लादेश जाने के लिए यहाँ से ही आते जाते रहना पड़ता है। और ये रहा दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं उस तरफ जो अभी पहाड़ देख रही है ना दोस्तों, वही है दोस्तों बांग्लादेश हो गया है, बांग्लादेश के इलाका हो गया है उस तरफ से। तो दोस्तों, मैं किस तरफ से बांग्लादेश जाने वाले हैं अभी मैं आप लोगों को मैं दिखा दे। तो दोस्तों, यहाँ से इतना ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा हमको, क्योंकि यहाँ से अभी 30 या 40 किलोमीटर होगा बांग्लादेश तक। इस तरफ से अभी हम जाने वाले हैं, वही मैं आप लोगों को दिखाऊँगा अभी। और दिखाने के साथ साथ मैं अभी पहुँचने के बाद ही मैं आप लोगों को फिर दोबारा से मैं वीडियो बनाऊँगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं किस तरफ से जाने वाले हैं, ये रहा आप लोग देख सकते हैं, ये बाएं साइड से अभी हम लोग जाने वाले हैं बांग्लादेश, इस रास्ते से। यही है दोस्तों बांग्लादेश जाने वाला रास्ता। तो दोस्तों, अभी हम लोग जाने वाले हैं, तो आप लोग भी मेरे वीडियो को आखिर तक देखते रहे। दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं ठीक बांग्लादेश बॉर्डर तक। ये तो मेघालय ही है, मतलब कि इंडिया ही है। और वहाँ से आप लोग देख रही है ना दोस्तों, वहाँ से उस तरफ तो बांग्लादेश होगा। नया नया रास्ता बन रही है दोस्तों, इसलिए पूरे के पूरी तरह एकदम धूल मिट्टी यहाँ से आते वक्त बहुत सारा हो गया है। ये रहा दोस्तों, देखिए मेरा हाथ में भी ऐसा है, देखिए सफ़ेद सफ़ेद करके आप लोगों को दिख दे रहा होगा। और ये देखिए दोस्तों, मेरा कपड़ा में इतना सा धूल मिट्टी। आप लोग मेरे मुंह को तो थोड़ा सा अच्छा दिखता होगा, क्योंकि मैं हेलमेट पहन के आ गया है ना दोस्तों, इसलिए मेरे मुंह में तो इतना ज़्यादा धूल मिट्टी जा नहीं सकता। और ये देखिए मेरे माइक की हालत, देखिए एकदम, और मेरा कपड़ा देखिए एकदम, आप लोग देखिए दोस्तों, मेरा कपड़े को इतना हालत ख़राब हो गया है मेरा। हम लोग कहाँ से जाने वाले हैं बांग्लादेश में, वो भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं कोशिश करूँगा दोस्तों। लेकिन वहाँ पर ठीक गेट को क्रॉस करते समय वीडियो करने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा नहीं पता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा वीडियो करने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं, और भी चलना है हम लोग को। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपना स्कूटी से आया, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा दोस्तों। ये रहा मेरा स्कूटी, इन स्कूटी से ही मैंने बांग्लादेश आए हुए हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ से ही शुरू होने वाला है और मतलब कि यहाँ से ही बांग्लादेश होने वाला है। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को ये घर वाले को भी दिखाना चाहूँगा। दोस्तों ये घर का मालिक है और साइड में मेरा पिताजी है, मेरा पिता भी यहाँ पर ही बैठा हुआ है। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को इस घर में हम लोग ठहरा हुआ है उस घर को भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। दोस्तों इस घर पर ही हम लोग अभी ठहरा हुआ है, अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग जाने वाला है बांग्लादेश। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रही है बांग्लादेश की तरफ में, गाड़ी को यहाँ पर ही रख कर जाना पड़ता है, वहाँ पर लेके जाने के लिए नहीं मिलने वाला है क्योंकि बेशक लोग पकड़ भी सकती है। दोस्तों अब शुरू हो रही है हम लोग का अभी बॉर्डर पार करने में, जैसे कि आप लोग ये पानी को देख रहे हैं किस तरीके से हम लोग इस पानी को पार कर रही है। तो दोस्तों यही है मेरा दोस्त और यही इसने हम लोगों को बॉर्डर तक छोड़ने वाले हैं क्योंकि हम लोग को कुछ भी आता पता नहीं है बॉर्डर के बारे। और ये है पिताजी, कैसे करके पानी पार करिए आप लोग भी सकती है। तो दोस्तों सिर्फ यही नहीं, मैं आप लोगों को इस गाँव को भी थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, तो आप लोग इस गाँव को भी देखते रहिए। दोस्तों हमने आप लोगों को ये गांव तो सब कुछ मैंने दिखाया है, बस हम लोग अभी पहुंच गए हैं बॉर्डर तक। ये रहा ब्रिज को भी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से बेशक लोग आते जाते रहते हैं और सामने में पानी भी है पीने के लिए। तो दोस्तों वो रहा आगे में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ही बैठा रहता है। और ये रहा ब्रिज, यहाँ से बेशक लोग आते जाते रहते हैं दोस्तों हर रोज, तो यहाँ पर ड्यूटी। और यहाँ से हम लोग जा रही है, तो आगे में आप लोग देख सकते हैं यहाँ से बेशक लोग आ रही है, तो मुझे कैमरा थोड़ा देर के लिए बंद करना पड़ेगा। दोस्तों अभी हम लोग को जाना है बाई तरफ से, बाई तरफ से हम लोग को बांग्लादेश जाने के लिए रास्ता है। तो ये जो जिस रास्ते से हम लोग जाने वाले हैं ना दोस्तों, तो ये रास्ता है अभी 0 पॉइंट हो गया यहाँ से 0 पॉइंट, ठीक किया यह इस रास्ते जैसे करके आप लोग देख सकते हैं ना, यहाँ पर ही फेंसिंग था पहले, तो ये यहाँ पर था ठीक। 0 पॉइंट कहाँ पर है वो भी आप लोग देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों बस हम लोग अभी पार कर रही है इंडिया से बांग्लादेश, तो ये रहा गांव, बस बॉर्डर पे ही हम लोग पहुँच गए हैं अभी 0 पॉइंट में। और वहाँ पर पिलर भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, अभी बस थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा आप लोग को। यहाँ पर थोड़ा सा जान पहचान आदमी के साथ बात कर रही है अभी। ये रहा बाजार करने के लिए गया इंडिया में बाजार, और उसका घर हो गया बांग्लादेश। और दोस्तों अभी हम लोग को जाना है बांग्लादेश, देखिए दोस्तों किस तरह से अभी हम लोग जाने वाले हैं। ये थोड़ा आगे पर ही आप लोग को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों 0 पॉइंट किस प्रकार से दिखती है। इस यहाँ पर सामने में भी बेशक लोग का कैंप है, पर जाने के लिए देती है, इतना चेकिंग वेकिंग तो करता नहीं है। ये रहा देखिए बांग्लादेश के जवानों, बस आप लोग को आप लोग देख सकते हैं, देखिए दोस्तों बांग्लादेश के जवानों को। वो रहा दोस्तों आप लोग देख रही है दोस्तों, ये यही है दोस्तों ठीक 0 पॉइंट सीमेंट की पिलर को आप लोग देख सकती है दोस्तों, यही है बांग्लादेश की 0 पॉइंट ये रहा। तो बस हम लोग अभी धीरे धीरे करके बांग्लादेश होता जा रहा है, ये रहा। तो दोस्तों अभी ये सुअर भी देख सकती है, ये है बांग्लादेश के सुअर। बस अभी दोस्तों हम लोग अभी
पहुंच ही गया है बांग्लादेश में। ये रहा बांग्लादेश के जवानों को अभी देख सकते हैं, ये रहा बांग्लादेश के स्वर। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं बांग्लादेश। अभी हम लोग को देखना है कि बांग्लादेश का गांव कैसा करके दिखती है, मतलब कि कैसे लोग हैं, कैसा रहा जाता है बांग्लादेश के गांव में और घर सब को भी आप लोग देख रहे हैं। दोस्तों ये रहा कब्रिस्तान, बांग्लादेश में ऐसा कब्रिस्तान बनाया जाता है। ये है बांग्लादेश के घर पूरी की तरह। हम लोग अभी बांग्लादेश तक पहुंच गए हैं दोस्तों, बस अभी ये इंडिया नहीं है, ये तो बांग्लादेश हो गया है। देखिए कैसे लोग देखते हैं इंडिया से बांग्लादेश, कितने अजीब है दोस्तों यार। देखिए दोस्तों आप लोग को मैंने ये गांव तो दिखाया है, जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं कि ये ही है दोस्तों बांग्लादेश की गांव, कुछ इस तरीके से दिखती है। बस दोस्तों ये गांव देखने के बाद तो मैं आप लोगों को अब बारी आते हैं घर दिखाना, जैसे कि हम लोग कौन से घर तक हम लोग आए थे वो घर दिखाना है दोस्तों। और दोस्तों ये घर दिखाने के बाद में मैं आप लोगों को मैं बांग्लादेश से इंडिया वापस आने वाले हैं दोस्तों। सिर्फ पिता को यहाँ पर क्रिसमस मनाने के लिए ड्रॉप कर रही है हम अभी, आज रात यहाँ पर रह के कल सुबह को हम फिर से वापस से इंडिया वापस आएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को मैं जितने भी थे मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं कोशिश करता रहूँगा दोस्तों। दोस्तों अभी हम लोग घर तक पहुँचने वाले हैं, जैसे कि कौन से घर तक हम लोग आज आए हुए थे वो घर तक हम लोग पहुँच गए हैं दोस्तों। बस आप लोग देखते रहे दोस्तों अभी हो गया सुबह के समय और कल रात को मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि कल रात हो गया है इसलिए ज़्यादातर आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए नहीं पाया है दोस्तों, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को सुबह में अभी जैसे कि बांग्लादेश के जो खेत बाड़ी है वो आप लोगों को अभी मैं दिखा रही हूँ। ये रहा सुबह के चाँद निकल रही है, अभी आप लोग देख सकती है अभी टाइम हो गया है 6 बजे। और दोस्तों आज तो हम वापस जाने वाले हैं इंडिया और पिताजी को यहाँ पर रख के और क्रिसमस के बाद में मैं फिर से लेने के लिए आने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा घर वाले को भी दिखाना चाहूँगा। ये रहा कैथोलिक चर्च, ज़िंदगी कैसे करके जिया जाता है ये बांग्लादेश के गारो लोग, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखिए। दोस्तों ये रहा विजय, इसका नाम है विजय चेरन। चलिए दोस्तों अभी मैंने ये यहाँ पर इस जगह को तो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है, ये रहा चर्च को भी मैंने आप लोगों को दिखाया है। और मैं आप लोगों को अभी लेके जा रही हूँ कि एक घर में, वो भी पिताजी का बड़े दीदी का ही घर है। ये रहा यहाँ पर ऐसा करके पानी इस्तेमाल करते हैं मुख्य मामा खरा चालक के नवा। और यह रहा रंगना थारी है मामो। और ये रहा देखिए दोस्तों पीने के लिए पानी ऐसा करके रखा जाता है, देखिए फिल्टर करके। यहाँ पर बालू है, यहाँ पर पानी ऐसा करके जाती है, यहाँ से पानी पिया जाता है दोस्तों। देखिए ये रहा नया किचन बन रही है अभी, अच्छी ना बनी। हाँ ओ क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों। वहाँ पर काम कर रही है और यही है दोस्तों एक घर, और वहाँ पर भी घर, और ये है दोस्तों गाय का घर। चोरी के लिए दर में ऐसा करके घर बनाया जाता है बांग्लादेश में। देखिए एकदम पूरा अच्छी तरीके से बनना पड़ता है यहाँ पे, नहीं तो पूरा एकदम गायब हो जाने वाला है। एक रात में 2 या 3 गाय पूरा घूमते रहते हैं बांग्लादेश में, इसलिए ऐसा करके अच्छे से बनाया जाता है। अभी मेरे को मुंह धोना पड़ेगा,
चलिए देखते हैं। और मैं भी यहाँ पर मुँह धो के पानी पूरा यहाँ पर मैंने इंडिया के पानी से बहुत अलग है ना मनी, इंडिया से पानी बहुत अलग है यहाँ पे देखिए। हम भी जानती नहीं मानती है मानी पिता का बड़ा दीदी ये भी कितना नंबर बड़ा था मनी पिता का बच्चन दादा नंबर पाँच छः नंबर पिताजी का बड़ा दीदी। तो दोस्तों चलिए अभी मैं मुँह धो लेती हूँ और मेरे साथ कोई कैमरा मैन नहीं है दोस्तों, इसलिए अभी मैं कैमरा को बंद करना पड़ेगा पहले। दोस्तों हमने अभी मुँह तो धो लिया है और मुँह धोने के बाद में चाय पीने का समय है। दोस्तों ये रहा मेरा भाई साहब में पिताजी और आगे में उनका बड़े दीदी और ये चाय बन रही है, अभी थोड़ी देर के बाद पियेंगे इसको। ये रहा सब्जियाँ, कुछ मिर्ची विर्ची कुछ सब्जियाँ देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर पानी गर्म और ये रहा चाय बन रही है। और चाय पीने के बाद में थोड़ी देर के बाद ही मैं इंडिया वापस जाने वाला है दोस्तों। हिंदी बोलो माँ गोल जो भालुआ से हमें भालुआ से तुम्हें कोठाई जाएगी रख दे दोस्तों। अभी हमने खाना वाना खा लिया है और खाना वाना खाने के बाद में अभी हम जा रहे हैं इंडिया वापस। तो अभी सुबह के टाइम हो गया है 8 बजे और 8 बजे से हम घर से निकल रही है। तो दोस्तों यही था सब कुछ बांग्लादेश की वीडियो, और आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी कर लेना है दोस्तों। तो चलिए मिलेंगे कहीं और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।